ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन। बंधुओं और बहनों, 65 छंद और 65 यंत्र, इसकी साधना कैसे की जाए, क्यों की जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और साधना भी करेंगे। 65 छंद एक बहुत ही सुंदर रचना मुनि धर्म सिंह जी ने बहुत सुंदर शब्दों की संयोजना करते हुए इस छंद की रचना की। इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। तीर्थंकरों की स्तुति के लिए और भी बहुत सारे छंद बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन 65 की विशेषता है कि इसका जो यंत्र है, यंत्र के साथ हम अगर इसकी उच्चारण करते हैं तो इससे हमें चमत्कारी लाभ भी मिलते हैं। और इसमें तीर्थंकरों के जो नाम हैं वह क्रमशः नहीं आते, आगे पीछे आते हैं। तो पहले मैं आपके साथ एक चित्र शेयर कर रहा हूं 65 छंद का। आपके स्क्रीन पे 65 छंद का चित्र आ रहा होगा, इसमें देखिए। इसमें 65 छंद का जो प्रारंभ, श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम, तो तीर्थंकरों के नाम क्रमशः नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं। पहले जो 4 गाथाएं हैं उसके अंदर हम तीर्थंकरों के नाम आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और आखिरी के जो 3 छंद है उसमें हमें इसको करने से क्या लाभ होता है इसके बारे में बताया गया। तो अब हम एक चित्र और मैं आपको शेयर कर रहा हूं, दूसरा चित्र आप देखेंगे, 65 यंत्र का चित्र आपके स्क्रीन पे 65 यंत्र का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए, सबसे पहले 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का अंक पहले आया हुआ है, उसके बाद 3रे तीर्थंकर संभवनाथ जी, फिर 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ जी। इसी तरह तीर्थंकरों के जो नंबर है वो क्रमशः नहीं आ रहे हैं, 22, 3, 9, 15, 16 इस तरह आगे पीछे आ रहे हैं, और एक इसमें 25 की संख्या भी आ रही है। तीर्थंकर हमारे 24 होते हैं और 25 की संख्या भी दिखाई दे रही है। तो जहां पर 25 की संख्या आ रही है वहां पर हम चतुर्विध तीर्थाय नमः इस तरह से 25 बार बोलते हैं। तो ये यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। अब तीर्थंकरों के नाम के साथ ओम ह्रीं श्रीं अरहम ये बीज मंत्र लगाकर हम उच्चारण करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो तीर्थंकरों के नाम में तो एक शक्ति होती है, लेकिन जब उसके साथ बीज मंत्र लग जाते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और बहुत अधिक मात्रा में हमें उससे लाभ मिलता है। तो अभी हम 65 यंत्र की स्तुति भी करेंगे और अंत में 65 छंद का उच्चारण भी करेंगे। तो आप सब साधना के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की स्तुति 22वां। ओम ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं
नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरं नेमिनाथाय नमः। अब तीसरे तीर्थंकर संबमनाथ स्वामी। ओम ह्रीं श्रीं अरं संभवनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं संभवनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं संभवनाथाय नमः। नौवे तीर्थंकर सुविधिनाथ जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं सुविधिनाथाय नमः। 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 अब पंद्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथ जी स्वामी। ओम ह्रीं श्रीं अरं धर्मनाथाय नमः। 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 अब सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ जी स्वामी। ओम ह्रीं श्रीं अरं शांतिनाथाय नमः। 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 अब चौदहवें तीर्थंकर अनंतनाथ। ओम ह्रीं श्रीं अरं अनंतनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं अरं अनंतनाथाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अनंतनाथाय नमः। अब विश्व तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी, ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः। अब 21वें तीर्थंकर नमिनाथ जी, ओम ह्रीं श्रीं अरम नमिनाथाय नमः। 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 अब दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी स्वामी, ओम ह्रीं श्रीं अरम अजितनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम अजितनाथाय नमः। आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी, ओम ह्रीं श्रीं अरम चंद्र प्रभवे नमः। 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 पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, ओम ह्रीं श्रीं अरम ऋषभनाथाय नमः। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी, ओम ह्रीं श्रीं अरम सुपार्श्वनाथाय नमः। 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 तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ, ओम ह्रीं श्रीं अरम विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरम विमलनाथाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं विमलनाथाय नमः। 19वां तीर्थंकर मल्लिनाथ जी स्वामी। ओम ह्रीं श्रीं अरं मल्लिनाथाय नमः। 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 अब यहां पर देखिए 25 की संख्या आ रही है, तो ओम ह्रीं श्रीं अरं चतुर्विध तीर्थाय नमः। 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 अब 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं अरनाथाय नमः। 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 अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः।
ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं महावीर स्वामिने नमः। अब पांचवे तीर्थंकर सुमति नाथ। ओम ह्रीं श्रीं अरं सुमति नाथाय नमः। 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 छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं पद्म प्रभवे नमः। 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 बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं वासुपूज्यनाथाय नमः। 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 दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं शीतलनाथाय नमः। 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 ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्रेयांशनाथाय नमः। 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 सत्रवें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंथुनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंथुनाथाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं कुंफुनाथाय नमः। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं श्रीं अरं पार्श्वनाथाय नमः। 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 चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ। ओम ह्रीं श्रीं अरं अभिनंदन नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं अभिनंदन नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अभिनंदन नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं अभिनंदन नाथाय नमः। अब हम 65 या छंद का उच्चारण लयबद्ध तरीके से तल्लीनता के साथ दो बार लेंगे। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग भान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवतंश वासुपूज शीतल श्रेयांश कुंतु पार्श्वय अभिनंदन भाण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण इण परे श्री जिनवर संभारिय दुख दारिद्र विघ्न निवारिय 25-65 परमाण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण इन बणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण श्री जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण
श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग भाण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचवीश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवतंश वासु पूज शीतल श्रेयांश कुंतु पार्श्व अभिनंदन भाण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण इण परे श्री जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये पच्चीस पैसठ परमाण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण इण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण श्री जिनवर नामे बांचित मिले मन बांचित सहुआसा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण ओम अर्हम।